1400 साल पहले हजरत अली रदी अल्लाह तआला के कोल है कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं। 16 माह से इस मुल्क के अंदर जबर जुल्म, इंसानी बुनियादी हुकूक को जिस तरह पामाल किया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दस को जिस तरह तबाह किया गया, लोगों को उनके घर से उठाया गया, बेलबास किया गया और कानून और आईन को एक मजाक बनाया गया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सितार ने अपने फराइज़ मनसबी की अदायगी के तहत उस कानून और आईन की और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़ के लिए शेरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के मुतल्लिक जो हुक्म सादर किया और इंतज़ामिया को जो आड़े हाथों कानून के मुताबिक लिया, मैं समझता हूँ और अपील करता हूँ तमाम अपने अदलिया के जजेस से, बड़ी अदालतों के या छोटी अदालतों के, तमाम वकला से, तमाम वकला की तंजीमों से कि कानून और आईन का तहफ्फुज ये आपका काम है। इसलिए खुदारा इस कौम को, इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वो पेशा वाराना फर्ज अदा करें और इंशाल्लाह इसी किस्म के बहादुर अदालत के जज जब इंसानी हुकूक के लिए लोगों को उनके घर से उठाया गया, बेलबास किया गया और कानून और आईन को एक मजाक बनाया गया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सितार ने अपने फराइज़ मनसबी की अदायगी के तहत उस कानून और आईन की और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़ के लिए शेरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के मुतल्लिक जो हुक्म सादर किया और इंतज़ामिया को जो आड़े हाथों कानून के मुताबिक लिया, मैं समझता हूँ और अपील करता हूँ तमाम अपने अदलिया के जजेस से, बड़ी अदालतों के या छोटी अदालतों के, तमाम वकला से, तमाम वकला की तंजीमों से कि कानून और आईन का तहफ्फुज ये आपका काम है। इसलिए खुदारा इस कौम को, इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वो पेशा वाराना फ़र्ज अदा करें और इंशाल्लाह इसी किस्म के बहादुर अदालत के जज जब इंसानी हुकूक के लिए खड़े होंगे, कानून और आईन के लिए खड़े होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इमरान खान के खिलाफ 180 जेली मनगढ़ंत केस बनाएं। आज PTI के कितने कायदीन और कारकुन ऐसे ही मनगढ़ंत केसों के अंदर कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाकर उनको बंद किया गया है। इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, इंसाफ और अदल इस मुल्क में आएगा, मेरे वकला और मेरे जजेस इसका तहफ्फुज करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।